उमरान मलिक को भारतीय क्रिकेट टीम का आगामी स्पीड स्टार कहा जा रहा था। सोशल मीडिया पर तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे थे, लेकिन अभी तक मौका मिलने पर उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। उमरान मलिक मूलतः जम्मू के रहने वाले हैं। वे आईपीएल 2021 में चर्चा में आए थे। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार में गेंद फेंकी थी। आप लोगों को बता दें कि वे सीजन के सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज रहे हैं। इसके बाद आईपीएल 2022 के लिए उन्हें रिटेन किया गया। आईपीएल 2022 में भी उन्होंने 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार में गेंद फेंकी थी। इसके बाद से उमरान मलिक के सोशल मीडिया पर काफी चर्चे होने लगे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज की स्क्वाड में भी शामिल किया गया, हालांकि उन्हें एक भी मैच खिलाया नहीं गया। इसकी सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स ने जम के आलोचना की थी। तमाम लोगों ने दावा किया था कि ऐसा गेंदबाज भारतीय क्रिकेट में कभी नहीं आया है। हालांकि इसके बाद आयरलैंड सीरीज के दोनों मैचों में उमरान मलिक को मौका मिला, लेकिन वह दो मैच में एक ही विकेट ले सके और पहले मैच के एक ओवर में 14 रन और दूसरे मैच में 4 ओवर में 42 रन दे दिए। दूसरे मैच में एक विकेट भी ली। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में मौका मिला तो उमरान मलिक ने 4 ओवर में 56 रन दे डाले, विकेट भी एक ही मिली। इस तरह अभी तक 3 मैच में उमरान मलिक ने 9 ओवर डाले हैं, जिसमें 112 रन बने और विकेट भी सिर्फ 2 ही हासिल हुई है। इसे लेकर तमाम क्रिकेट प्रेमी सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बात अगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की करें तो उन्होंने टी20 सीरीज जीतने के बाद ट्रॉफी युवा उमरान मलिक को पकड़ा दी। वो सबसे महंगे गेंदबाज थे, लेकिन रोहित ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ट्रॉफी उनको दे दी। बता दे कि भारतीय टीम ने टी20 सीरीज में 2-1 से शानदार जीत दर्ज कर ली है। 3 मैच में सिर्फ अंतिम मैच में उमरान मलिक को खिलाया गया था। अब वनडे सीरीज पर भारत की निगाहें टिकी है। 3 मैचों की वनडे सीरीज मंगलवार से शुरू हो रही है और पहला मैच भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे शुरू होगा। सीरीज के बाद वनडे में सीरीज में भी तमाम खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निगाहें टिकी रहेंगी, लेकिन उमरान मलिक को टीम में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि उमरान मलिक को जो विकेट मिला वो एक बड़ा विकेट था। उमरान मलिक ने अपने दूसरे ओवर में ये शिकार किया था। उन्होंने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को पवेलियन भेजा। पहले 2 मैचों में फ्लॉप रहने वाले जेसन रॉय पिच पर सेट हो गए थे। वे बड़ी पारी खेलने की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तभी कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरा ओवर उमरान मलिक को दिया। पहली गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। रॉय ने उस पर जोरदार बल्ला चलाया, लेकिन वहां किनारा लेकर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथ में चली गई। उन्होंने 27 रन की पारी खेली और इस तरह उमरान मलिक ने जेसन रॉय का विकेट लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं कि उमरान मलिक को आगे खिलाना चाहिए या नहीं? अपने विचार को हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।